अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। साबिक नाजिम कराची नेमतुल्ला खान एडवोकेट की नमाज जनाजा इस वक्त अदा की जा रही है। कराची के साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और बड़ी तादाद में यहाँ पे कराची के शहरी आए हैं, नमाज जनाजा का हिस्सा बने हैं और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। उनकी मैयत जो कि इदारा नूर हक पर पहुँचाई गई थी, यहीं पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। कराची के साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। साबिक नाजिम कराची नेमतुल्ला खान गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। वो तवील अरसे से अलील थे, उनकी उम्र 89 बरस थी। नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है न्यू एमएजना रोड नज़द इदारा नूर हक पर। और नेमतुल्ला खान के साहबजादे और साहबजादी बैरून मुल्क हैं, उनकी आमद के बाद तदफीन होगी। नेमतुल्ला खान 1930 में अजमेर शरीफ में पैदा हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1988 में असेंबली की तहलील तक तकरीबन 3.5 साल ऑपोजिशन लीडर रहे, जबकि 2001 में कराची की शहरी हुकूमत के नाज़िम मुंतखब हुए और नेमतुल्ला खान 2005 तक कराची की शहरी हुकूमत के नाज़िम रहे। आप मनासिर भी इस वक्त देख सकते हैं। साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा आपसे कुछ देर पहले अदा कर दी गई है, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेयर कराची वसीम अख्तर भी इस नमाज जनाजा में मौजूद थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर अहम शख्सियात ने भी साबिक नाजिम कराची नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और आपको ये भी बताएं कि नेमतुल्ला खान के साहबजादे और साहबजादी बैरून मुल्क हैं, उनकी आमद के बाद तदफीन का अमल शुरू होगा। कराची के साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा अब से कुछ देर पहले अदा कर दी गई है। उनकी नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई है और उनकी नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और दीगर आला शख्सियात और शहरियों की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने शिरकत की। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। साबिक नाजिम कराची नेमतुल्ला खान एडवोकेट गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे और वो तवील अरसे से अलील थे, उनकी उम्र 89 बरस थी। नेमतुल्ला खान एडवोकेट की नमाज जनाजा अब से कुछ देर पहले अदा कर दी गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। तारिक अबुल हसन, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, इस वक्त क्या मंजर देख रहे हैं आप? जी, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है साबिक नाजिम नेमतुल्ला खान की और इस वक्त जो है वो तारिक अबुल हसन से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं, राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बता रहे हैं साबिक नाजिम कराची नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा अब से कुछ देर पहले अदा की गई, जिसमें कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। आवाम की बड़ी तादाद इस नमाज जनाजा में मौजूद थी और आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ साबिक नाजिम कराची नेमतुल्ला खान इंतकाल कर गए थे। काफ़ी अरसे से बताया जा रहा है, तवील अरसे से वो अलील थे, उनकी उम्र 89 बरस थी और उनकी नमाज जनाजा न्यू एमएजना रोड नज़द इदारा नूर हक पर अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर जो पार्टी कारकुनान थे, जो इनके चाहने वाले थे। आवाम की बड़ी तादाद ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की। नेमतुल्ला खान 2005 तक कराची की शहरी हुकूमत के नाज़िम रहे। जमात इस्लामी कराची के अमीर भी वो रह चुके हैं, जबकि जमात इस्लामी पाकिस्तान की शूरा के रुकन भी रहे। साबिक नाजिम कराची नेमतुल्ला खान एडवोकेट गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे और तवील अरसे से वो अलील थे, उनकी उम्र 89 बरस थी। नेमतुल्ला खान एडवोकेट की नमाज जनाजा न्यू एमएजना रोड नज़द इदारा नूर हक पर अदा की गई है। नेमतुल्ला खान के साहबजादे और साहबजादी बैरून मुल्क से आएँगे तो उनकी तदफीन की जाएगी। 1930 में अजमेर शरीफ में नेमतुल्ला खान पैदा
पैदा हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जबकि कराची यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री भी उन्होंने हासिल की। और जमात इस्लामी कराची के वो अमीर भी रह चुके हैं, जबकि जमात इस्लामी पाकिस्तान की शूरा के रुकन भी रहे हैं।